मैथ कक्षा 7वीं चैप्टर 12वां। अब इसमें देखो आप बीजीय व्यंजक है तो एक पद दो पद तीन पद व्यंजक और गुणखंड छांटने हैं, तो चरों अचरों और की स्थितियों का पता लगाना है। अब मैंने ये सम करवाया था आपको, एक वाई में से जेड को घटाना है, एक्स और वाई के योग का आधा करना है, जेड को स्वयं से गुणा करनी है, तो आपने ये कर लिए होंगे। अब देखो इसमें प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणखंडों को छांटिए, पदों और उनके गुणखंडों को पेड़ के आरोह द्वारा दर्शाइए। अब इसका बी पार्ट देखो आप, बी पार्ट देखोगे तो इसमें लिखा है बी के अंदर दूसरा सवाल है, इसका बी पार्ट है कि एक जमा में एक्स जमा में एक्स की दो। अब हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, इसमें एक का एक, इसमें एक्स का एक्स, इसमें क्योंकि इसके ऊपर दो आ गया तो ये एक्स गुणा एक्स हो गया, तो यानी कि ये हमारा पेड़ के आरेख द्वारा दर्शाया गया है इसको। अब दूसरा है माइनस ए बी जमा के दो बी की दो माइनस तीन ए दो। अब यहाँ पे देखिए माइनस ए गुणा बी माइनस दो गुणा में बी और माइनस यहाँ पे तीन गुणा में ए, यानी जो अक्षर की पावर है उस अक्षर को उतनी बार गुणा करेंगे। यहाँ अक्षर बी की पावर दो है तो दो बार गुणा किया है, यहाँ एक एक बार है तो एक एक बार गुणा किया है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारे पेड़ बन गए, यानी कि ये पेड़ के आरेख बन गए। तो इस तरह से आपने ये सम करने हैं। इसी तरह से तीसरा सम देखिए, तीसरे सम के अंदर है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से संख्यात्मक गुणांकों को जो अचर ना हो पहचान कीजिए। अब व्यंजक में पदों के संख्यात्मक, अब देखो पाँच माइनस तीन टी की पावर दो, पाँच माइनस तीन टी की पावर दो, तो इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है, पाँच और तीन। अब जो अचर न हो की पहचान कीजिए संख्यात्मक पदों की। अब पहले पद का संख्यात्मक गुणांक पाँच, दूसरा पद के संख्यात्मक गुणांक है माइनस के तीन, तो इस तरह से आपने सम करने हैं। अब है पांचवा सम है आपके, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पद द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए, यानी कि इनको छांटना है और जो नहीं है उसको आप देखेंगे। तो इसमें देखिए चार वाई माइनस के सात जेड, चार वाई माइनस के सात जेड, इसमें पहला पद दूसरा पद
तो ये क्या हो गया हमारा दो पद। अब वाई की पावर दो, इसमें लिखेंगे वाई की पावर दो, तो ये हमारा क्या है एक पद, और ये हमारा क्या है द्विपद। तो ये छांटना ही है, इसमें वर्गीकृत करना यानी छांटना है। अब इसमें देखिए एक्स एक, वाई एक और माइनस एक्स वाई एक, तो इसमें तीन पद हो गए, ये सो एक पद हो गया, तो इसमें से है। अब नीचे दिए हुए युग्मों के समान पद या असमान पदों के उदाहरण दीजिए। अब समान पद देखो, इसमें संख्यात्मक कोई भी है वो समान पद हैं। अब इसमें देखिए एक और सो, तो ये हमारे क्या हैं समान पद हैं। अब एक कोमा सो, तो ये क्या है समान पद हैं। दूसरा है चार एम स्क्वायर पी, चार एम पी स्क्वायर, पहले में एम स्क्वायर पी आया है, दूसरे में एम पी स्क्वायर आया है, तो इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें दो पद आएंगे, असमान पद है ये, क्योंकि इसमें m की पावर दो है, इसमें p की पावर दो है, तो दोनों अलग अलग हो गई ये। अब इसी तरह से z स्क्वायर माइनस तीन जेड जमा के आठ, तो एक पद दो पद और तीन पद, तीन पद ही हैं इसमें, सबकी घात अलग अलग है, सारे अलग अलग हैं, तो यह हमारा क्या आ गया असमान पद। तो इस तरह से आपने ये सातों सवाल करने हैं। थैंक यू। पेड बन गए, यानी कि ये पेड के आरेख बन गए। तो इस तरह से आपने ये सम करने हैं। इसी तरह से तीसरा सम देखिए, तीसरे सम के अंदर है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से संख्यात्मक गुणांकों को जो अचर ना हो पहचान कीजिए। अब व्यंजक में पदों के संख्यात्मक, अब देखो पाँच माइनस तीन टी की पावर दो, पाँच माइनस तीन टी की पावर दो, तो इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है पाँच और तीन। अब जो अचर न हो की पहचान कीजिए संख्यात्मक पदों की। अब पहले पद का संख्यात्मक गुणांक पाँच, दूसरा पद के संख्यात्मक गुणांक है माइनस के तीन, तो इस तरह से आपने सम करने हैं। अब है पांचवा सम है आपके, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पद द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए, यानी कि इनको छांटना है, और जो नहीं है उसको आप देखेंगे। तो इसमें देखिए चार वाई माइनस के सात जेड, चार वाई माइनस के सात जेड, इसमें पहला पद दूसरा पद, तो ये क्या हो गया हमारा दो पद। अब y की पावर दो, इसमें लिखेंगे y की पावर दो, तो ये हमारा क्या है एक पद, और ये हमारा क्या है द्विपद। तो ये छांटना ही है, इसमें वर्गीकृत करना यानी छांटना है। अब इसमें देखिए x एक, y एक
और माइनस एक्स वाई एक, तो इसमें तीन पद हो गए, ये सौ एक पद हो गया, तो इसमें से है अब दूसरा पद, तो ये क्या हो गया हमारा दो पद। अब वाई की पावर दो, इसमें लिखेंगे वाई की पावर दो, तो ये हमारा क्या है एक पद, और ये हमारा क्या है द्विपद। तो ये छांटना ही है, इसमें वर्गीकृत करना यानी छांटना है। अब इसमें देखिए x एक y एक और माइनस एक्स वाई एक, तो इसमें तीन पद हो गए, ये सो एक पद हो गया, तो इसमें से है अब नीचे दिए हुए युग्मों के समान पद या असमान पदों के उदाहरण दीजिए। अब समान पद देखो, इसमें संख्यात्मक कोई भी है वो समान पद हैं। अब इसमें देखिए एक और सौ, तो ये हमारे क्या हैं समान पद हैं। अब एक कोमा सौ, तो ये क्या है समान पद हैं। दूसरा है चार एम स्क्वायर पी, चार एम पी स्क्वायर, पहले में एम स्क्वायर पी आया है, दूसरे में एम पी स्क्वायर आया है, तो इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें दो पद आएंगे, असमान पद है ये, क्योंकि इसमें m की पावर दो है, इसमें p की पावर दो है, तो दोनों अलग अलग हो गई ये। अब इसी तरह से z स्क्वायर माइनस तीन z जमा के आठ, तो एक पद दो पद और तीन पद, तीन पद ही है, इसमें सब की घात अलग अलग है, सारे अलग अलग हैं, तो ये हमारा क्या आ गया असमान पद। तो इस तरह से आपने ये सातों सवाल करने हैं। थैंक यू।